हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। जैसे आज के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो ड्राई स्किन के लिए रहेगी। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट वो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक्चुअली कुछ बातें करना चाहती हूँ। कैसा है गाइस कि मेरी इस जो हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में मैं जो आगे भी आपसे शेयर करूँगी, कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, वो सिर्फ ये होता है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। बट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है हेल्दी लाइफस्टाइल का, वो है कि आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, आपका जो डे टू डे लाइफ में आप जैसे अपनी लाइफ जी रहे हो, वो कितनी हेल्दी है। बाकी आप कैसे प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हो वो कितने हेल्दी हैं, कितने केमिकल फ्री हैं। तो ये इस क्रीम को बनाने का भी मेरा यही रीज़न था। एक्चुअली रीज़न क्या है कि ये क्रीम जो है, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स आई थिंक शायद 1 या 2 साल से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर पे ही अवेलेबल हैं। तो यही मेरा रीज़न था। अगर मैं बात करूँ और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हेल्दी लाइफस्टाइल की, कि जैसे ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो हम अपने स्किन पे यूज़ करते हैं, ये केमिकल फ्री है। ऐसे ही जो हम अपने हेयर्स पे जो जो चीज़ें अप्लाई करते हैं वो किस तरह से केमिकल फ्री हैं, या फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स गो, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम कैसे बनाई है। और एक डिस्क्लेमर है गाइस कि ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत लोगों ने बनाई हुई है, और मैंने भी जब रिसर्च किया था तो इंटरनेट पे ही रिसर्च किया था। तो इस पे मेरा एक्चुअली कुछ भी कॉपीराइट या पेटेंट नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बोल, और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ, सौंदर्या का। आप कोई और भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो डायरेक्ट एलोवेरा से ही जो जेल निकलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए कैसा होगा कि आपको थोड़ा उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं तो यही ले रही हूँ। और एलोवेरा जेल क्या होता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है, पिगमेंटेशन हटाता है, स्किन को शाइनिंग देता है। यहाँ पे मैं लूँगी 6 स्पून्स एलोवेरा जेल। मैंने ये 6 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। और अब हम लेंगे कोकोनट ऑयल, जिसको हम नारियल का तेल बोलते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल वाला ले रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कुछ लोग जैसे जिनको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है, वो एलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये मैं लूँगी 4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से हमको इसको मिलाना है। और अगर मैं स्पून से मिलाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर जो होता है उससे मिला सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है, तभी मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ मिलाना। उसी तरह इसको मिलाते हैं स्मूथ फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से इसकी। और उसके बाद हम डालेंगे ये विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई की कैप्सूल्स आपको पता ही है, एक दिस इज़ फॉर स्किन, और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं स्किन में। ड्राई स्किन के लिए बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो हम इसको ऐसे छोटा छोटा सा इस तरह से कट करते जाएंगे इसको, और इसका ये जो ऑयल है ये हम इसमें डालते जाएंगे। इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम का जो कलर है वो ग्रीन रहेगा, बिकॉज़ मैंने ये जो एलोवेरा का जो जेल लिया था ये ग्रीन कलर का था। अगर आपके पास कोई और अवेलेबल हो तो इसका वाइट कलर भी आएगा। अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हम इसमें डालेंगे अगेन 4 टीस्पून। अगेन सेम ऐसे ही मैश करें। अभी हम लेंगे, ये मेरे पास खादी का है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो स्किन के लिए आपको अगेन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्मूथनेस देती है स्किन को,
और सेम ड्राई स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। विंटर्स में तो लोग डायरेक्टली ग्लिसरीन भी यूज़ करते हैं। ये भी हम लेंगे 3 से 4 चम्मच। लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ये अरारूट का पाउडर, जिसको हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कॉर्नफ्लावर क्या होता है, सेम स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देता है, बहुत सॉफ्ट होती है स्किन और बहुत फ़ायदा करता है ये स्किन के लिए। एंड देखिए हमने जो भी अभी तक यूज़ किया है इसमें से कुछ भी केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही हम इसमें डाल रहे हैं। अगेन हम इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरह से अब ये देखिए हमारी क्रीम जो है वो रेडी है। देखिए क्या स्मूथ टेक्सचर आया इसका। अगर मैं आपको इस पर लगा के दिखाऊं अपने हाथ पे तो ये देखिए पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। एंड होममेड है, कोई केमिकल्स नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है, कुछ भी नहीं है हाथ में। ये हमारी क्रीम इस तरह से रेडी है। मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स लगता है इसको बनाने में, अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं पहले से तो। ये मैंने इसको ऐसे एक जार में भर लिया है। आपके पास कोई ग्लास का जार हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास तो यही अवेलेबल था अभी हाल फिलहाल में। और ये जो क्रीम है ये आप आराम से 20 से 25 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको लगा हो कि आपको भी बनानी चाहिए। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।